हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट हेयर। कैसे हैं आप सब? आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी इतनी लेंथ पर बेबी गर्ल के बॉब ब्लंट कट के बारे में बताऊंगी, ब्लंट कट के बारे में बताऊंगी। और आप अगर कोई चाहता है कि उनको स्टेप जैसा लुक मिले छोटे गर्ल के इतने हेयर में, तो आपको वो भी बताऊँगी और साथ के साथ कॉम से ड्रायर करना भी बताऊँगी। तो आप ये देखेंगे किस तरीके से आप कंघी से ड्रायर कर सकते हैं। और मैंने इन बालों को अच्छे से गीला किया था और दो बार ट्विस्ट करते हुए कट किया है। इस तरीके से पोनी बना लेंगे और पोनी को दो बार ट्विस्ट किया है और ये कट आएगा हमारा। आप देख सकते हो कितने अच्छे स्टेप आएंगे बिल्कुल और स्ट्रेट में। आप चाहे तो इस कट को इस तरीके से छोड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं। काफ़ी अच्छा लुक आएगा इसमें भी आपका। और नीचे से हल्का सा ट्रिम कर देंगे और चाहेंगे तो इसको बॉब कट में लेंगे। बॉब कट को हम हमेशा बैक से शॉर्ट और फ्रंट से लॉन्ग लेते हैं। तो कॉम कर लेंगे अच्छे से और बैक से फ्रंट की तरफ आएंगे करते हुए धीरे धीरे अपने हेयर कट को। मैं पहले धीरे धीरे कम कम लेंथ लेके ही चलूँगी, बाद में थोड़ी कम करूँगी क्योंकि इनको ब्लंट कट चाहिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट, कान से हाफ कान के पास से। तो उस तरीके से ही लेंगे और बैक से लेके फ्रंट की तरफ आ रही हूँ, ऊंचाई से नीचाई की तरफ। आप चाहेंगे बैक से और ज़्यादा ऊंचा करेंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। और मैं यहाँ पर लूँगी और ज़्यादा ऊंचाई। इधर आपको हल्की शेप दिखा देती हूँ। और आप मेरे और वीडियो देखना चाहते हैं हेयर कट के, तो काफ़ी सारे वीडियो हैं मेरे नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड पर। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और साइड में जो बेल बटन है उसे जरूर दबाएं ताकि आप मेरी नई वीडियो के साथ अपडेट रहें। और पीछे से आप देख रहे हो मैं लेंथ को बहुत छोटा ले रही हूँ, इससे भी ज़्यादा शॉर्ट करते हुए चलूँगी। और फ्रंट से है लॉन्ग, तो इस तरीके से भी दे सकते हो आप बॉब कट का लुक। और इसी में बताऊँगी मैं आपको कि कितने कितने छोटे आप कर सकते हो इस पर, क्योंकि इतने लॉन्ग हेयर अच्छे नहीं लगेंगे, इनको काफ़ी छोटे चाहिए थे। तो मैं उसी तरीके से करती हुई चलूँगी और कॉम करते हुए ही कट करेंगे इस तरीके से। बैक से काफ़ी छोटे ले लेंगे हम और गाइडलाइन मिलाते हुए ही चलेंगे। चारों तरफ से एक सार होने चाहिए, हमारे बाल कहीं से छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके मूजर का यूज़ कर सकते हैं आप। और आप देख रहे हो ये हेयर कट हमारा इस तरीके से होता चला जाएगा। मैंने हाफ कान तक लिए हैं और इतना ही रखूँगी अब इनका हेयर कट, ज़्यादा शॉर्ट नहीं करूँगी। धीरे धीरे ट्रिम करते हुए जाएंगे अपने हेयर कट की तरफ। ये इस तरीके से, अगर बच्चे के हैवी बाल होते हैं तो भी काफ़ी अच्छा लगता है ये हेयर कट, और लाइट बाल होते हैं तो भी काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हमारे बालों को एक गोल शेप मिल जाती है। और थोड़ा ड्रायर करते हैं तो उसमें फोल्ड हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा लुक आता है बाल एकदम। आप देख रहे हो पीछे से कितने अच्छे कट कर रहे हैं। और चाहें तो आप इसे विदाउट ड्रायर भी रख सकते हैं और ड्रायर करके करेंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे ये हेयर। तो दूसरी साइड आ जाएंगे। दूसरी साइड देख रहे हो आप पूरे ही लंबे बाल हैं और मैंने एक ही साइड से पूरी फिनिशिंग कर दी है। दूसरी साइड से अभी आऊँगी और आप आइडिया लेके उतना ही कट करेंगे जितना आपने उस साइड से कट किया होगा। क्योंकि कई बार ये होता है अगर आप पहले से ही छोटे हेयर कर देते हैं और बाद में बिगड़ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि वो सही नहीं हो पाते, फिर आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने पड़ते हैं। तो आप हमेशा कट करते टाइम यही करेंगे कि पहले लॉन्ग ले लेंगे और बाद में धीरे धीरे करते करते शॉर्ट करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम भी ना रहे कि आपका हेयर कट ख़राब हो गया। और इस तरीके से मैं फिनिशिंग देते हुए फ्रंट की तरफ आऊँगी और इनके फ्रंट से छोटे नहीं करूँगी, हल्का सा साइड कर दूँगी थोड़ा सा, ताकि आराम से हेयर बैंड लगा सकें या कोई क्लिप वगैरह लगा सकें। क्योंकि छोटे बच्चे के बालों में अगर पढ़ाई करते हो सामने बाल आते हैं तो प्रॉब्लम होती है उनको। तो इस तरीके से बालों का ये कट करेंगे और आप फिनिशिंग करेंगे अपने बालों में एकदम। आप देख रहे हो मेरी आपको फिनिशिंग दिखाई दे रही होगी मैं किस तरीके से कर रही हूँ। काफ़ी टाइम लग जाता है बच्चे का हेयर कट करने में और इनके काफ़ी हैवी और अच्छे बाल हैं। इस तरीके से आप आ जाएंगे हम फ्रंट की तरफ। फ्रंट से मैं बिल्कुल बैक वाले बालों को मिला के हल्का सा कट कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ बेबी रसना कट भी दे सकते हैं, बट इनको क्लिप या क्लेचर लगाना है फ्रंट में, हेयर बैंड सॉरी। और इस तरीके से आप चाहे इस हेयर कट को साइड पार्टिंग में रख सकते हैं जैसे मैंने किया है। साइड पार्टिंग में ये लुक मिलेगा आपको, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लगेगा। और अभी विदाउट ड्रायर है और तभी हमारे स्टेप भी आ रहे हैं इस हेयर कट में साइड में, और बैक से भी आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आएगा।
और आप चाहें तो इस हेयर कट को सेंटर पार्टिंग में भी इस तरीके से रख सकते हैं, और इसके साथ हेयर बैंड लगा के करेंगे या क्लिप लगा के, तो फ्रंट पे बाल भी नहीं आएंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आएगा इस हेयर कट का। तो इस तरीके से कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगी आपको ड्रायर करना कॉम से ही, पहले हम मूज़र कर लेंगे। ड्रायर से पहले मूज़र, यहाँ मैं अपना कैमियो का यूज़ कर रही हूँ और ये लाइट से ही चलता है, चार्जर वाला नहीं है। तो इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद आपके हेयर कट में और अच्छा लुक आता है और काफ़ी अच्छा लगता है हमारा हेयर कट बैक से देखने में, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। और जहाँ कहीं भी आपको हेयर कट करने, मूज़र करने के बाद हेयर कट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगेगी या बड़ा छोटा लगेगा, तो वहाँ से क्लीन कर देंगे आप, कट कर देंगे इस तरीके से। और बैक बैक में करेंगे, कान के पास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छी हेयर कट हुई है बैक से, कोई बाल भी छोटे बड़े नहीं हैं। उसके बाद कर रही हूँ मैं ड्रायर, तो ड्रायर कॉम से ही करेंगे हम, ब्रश का यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। हमारे हल्के गीले बाल तो बाल होते हैं, अगर आप ड्रायर भी नहीं है तो आप कॉम से हल्का हल्का फोल्ड कर देंगे तो भी बाल फोल्ड हो जाएंगे बहुत आसानी से। और इस तरीके से चारों तरफ से बालों को गोलाई में मोड़ते हुए चलेंगे और 6 इंच की दूरी पर रखेंगे। ड्रायर एकदम पास जाके नहीं करेंगे क्योंकि बाल दो मुखे होने का डर रहता है। और इस तरीके से पूरे बालों को आप फोल्ड कर देंगे। ये देख सकते हो कितनी आसानी से फोल्ड हो जाते हैं। अगर आपका पतला बाल है, फ्रीजी हेयर, बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है अगर आपके पास ड्रायर भी नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो में दिखाया है विदाउट ड्रायर कैसे कर सकते हैं अपने बालों को फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आता है हमारे बालों का। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी हैवी लुक लगते हैं हमारे बालों का। और ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट ड्रायर। थोड़ा आपको कहीं से ज़्यादा कम लगता है तो आप एक बार दोबारा फोल्ड कर देंगे। आप चाहेंगे तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर आपको कॉम से ही बताया है कि कितने आसान तरीके से आप कॉम का यूज़ करके अपने बालों को ड्रायर कर सकते हैं। और ड्रायर नहीं हो तो भी आप कॉम से ही फोल्ड कर सकते हैं अपने बालों को। ये लुक आएगा हमारे हेयर कट का, और आप देख सकते हो बेबी गर्ल कितनी सुंदर लग रही है और इस पर हेयर कट कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इतना शॉर्ट हेयर कट दे सकते हैं अपनी क्लाइंट को या अपनी बेबी गर्ल को। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।